चाय बन गया क्या? हाँ पापा। ठीक है बेटा, थोड़ा पानी ले आना। अब हर चीज को एक साथ क्यों नहीं बोल सकते? मेरे को ऑफिस जाने के लिए भी लेट हो रहा है, अब समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं आपका सेवा करता रहूंगा दिन भर, जब भी ऑफिस भी जाऊंगा। क्या करते हैं आप? अरे हेलो। हाँ अरे यार, बूढ़ा का सेवा करते करते मेरा दिन चला जाता है। हाँ मैं 5 मिनट में ऑफिस पहुँचता हूँ। हाँ हाँ अभी जाता हूँ, पहुँचता हूँ। ठीक है। अरे भाई इतना टेंशन में क्यों है? क्या करूं, पापा के सेवा करते करते दिन सारा चला जाता है। कभी पानी दो, कभी चाय दो, कभी पेट घसो, कभी कुछ और करो, कुछ ये करो, ऐसा करते करते मेरा माथा खराब हो गया है। अबे सुन, अगर इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है ना तुझे, तो अपने पापा को किसी ओल्ड एज होम में छोड़ देना। पागल हो गया है? अभी भी पापा के नाम में सारी प्रॉपर्टीज है। अगर मैंने ऐसे किया और उन्होंने किसी दान दे दिया तो? तू सही बोल रहा है यार, मैं कुछ सोचता हूँ। बेटा तू मुझे कहाँ लेके आया है? पापा मैं आपको मंदिर लेकर आया हूँ। किस लिए? पापा मैं जानता हूँ कि इतना बिजी शेड्यूल में मैं आपको चार धाम का यात्रा नहीं करवा सकता, इसलिए मैं आपको मंदिर में आकर छोड़ने आया हूँ। मैं यहाँ पर सब कुछ बंदोबस्त कर लिया हूँ। पंडित जी, पापा आप टेंशन मत लीजिएगा, आपके दवाई से लेकर आपका सारे सारे चीज पंडित जी आपका ध्यान रखेंगे। बेटा सही टाइम से खाना पीना खाते रहना और झगड़ा वगड़ा किसी के साथ मत करना, ठीक है? और काम में इतना ही मशगूल मत हो जाना कि खाना तबियत और खाना पीना का भी बात तुम भूल जाओ, ठीक है? ठीक है तो, और कभी टाइम मिले तो मुझसे मिल लेना, मैं यहीं पे तेरा इंतजार करता हूँ। पंडित जी पिताजी को ले। अरे ये कौन है? अरे भैया सुनिए तो तेरा। हाँ क्या हुआ? भैया आप उनको कैसे जानते हो? तुम उनको नहीं जानते हो, आज से 25 साल के पहले एक बच्चे को कोई यहाँ पे छोड़ के चला गया था, जिसको उन्होंने गोद ही लिए थे। वो उनका इकलौता ही बेटा है, जो अभी एक बड़ा ऑफिसर है।